हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। मार्केट को लेकर मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि इस टाइम मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि मार्केट जो है डेली यहाँ ऐसे कर करके ओपन हो रही थी, यानी कि गैप अप ओपन हो रही थी। और ये जो गैप बचा था इसको मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी गैप फिलिंग जो है वो मार्केट जरूर करेगी। और उसका सीधा सीधा सर आज आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि स्टॉक्स को ऊपरी लेवल पर बाई ना करें, अभी एक रिट्रेसमेंट मार्केट करेगी और वो चीज़ आज के दिन में देखने को मिल रही है। लेकिन टाइटन की अगर बात करें तो उसके रिगार्डिंग आपको एक पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल रहा है कि 3157 रुपये पे 50 रुपये की तेजी, 1.5% के आसपास का उछाल है। और देखिए गैप अप ओपनिंग थी पूरा दिन, उसको अभी तक हाफ ऑफ द डे अगर बात करें तो मेंटेन करता नजर आ रहा है टाइटन भी। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है क्वार्टर वन के नंबर्स, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 5 दिन की बात करें तो आपको 3.5-4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 1 महीने के अंदर 8.5% के रिटर्न्स जो है टाइटन शेयर इन्वेस्टर्स को बनाकर दे भी चुका है। 6 महीने की बात करें तो 27% के रिटर्न्स जो है टाइटन ने अपने अभी तक के 6 महीने के रिटर्न्स में बनाकर दिए। 1 जनवरी से लेकर बात करें तो 23%, 1 साल का जो डाटा है ऑलमोस्ट 50% पॉजिटिव हमें टाइटन कंपनी का देखने को मिल रहा है। 5 साल में 276% के रिटर्न से करेक्शंस बार बार हुई है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक लगातार भागता ही गया है, करेक्शंस भी हुई हैं स्टॉक के अंदर। बात अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की मैं करूं तो ऑलमोस्ट देखिए 74,000% के रिटर्न्स जो है टाइटन कंपनी अभी तक मैक्सिमम रिटर्न्स में बनाकर दे चुकी है। और सबसे अच्छी बात कि टाटा ग्रुप की कंपनी है और टाटा ग्रुप पे उसमें जो है पब्लिक यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें तो ट्रस्ट करती नजर आती है। और ऐसे में इस कंपनी ने परफॉर्मेंस भी बहुत ही कमाल की दिखाई है। तेजी के पीछे जो वजह है वो अपडेट के सामने है। तो टाइटन के जो क्वार्टर वन अपडेट है उसमें देखिए रिवेन्यू जो है वो 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिल रहा है, और जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को शेयर के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। द ज्वेलरी मेकर ऑल्सो सेड दैट ड्यूरिंग द क्वार्टर इट एडिड 68 स्टोर्स इंक्लूडिंग कैरेट लेन, टेकिंग टाइटन्स रिटेल प्रेजेंस एट 2778 स्टोर्स। वो 68 नए स्टोर जो है टाइटन ने इस साल के अंदर अपने नए ओपन भी किए हैं, जिसका एक मेन इंपैक्ट आप लोगों को इसके टोटल रिवेन्यू ग्रोथ पे ऑलमोस्ट 20% इजाफा जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा भी रहा है। सेकेंड अपडेट की बात करूं तो देखिए टाइटन शाइंस एट न्यू हाई ऑन क्वार्टर वन बूस्ट। तो क्वार्टर वन के जैसे ही नंबर्स आए वैसे ही स्टॉक ने एक नया 52-week हाई लगा भी दिया। हालांकि नंबर्स नहीं आए हैं अभी, एक रिपोर्ट जो है उसकी अगर बात करें तो उसमें जो डाटा दिया गया है 20% का ईयर ऑन ईयर इजाफा जो है इसके हमें रिवेन्यू ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, और जिसका इंपैक्ट जो है टाइटन के शेयर पे आज देखने को भी मिल रहा है। एक नया 52-week हाई आज के दिन में टाइटन शेयर ने लगा दिया है। वॉल्यूम की अगर बात करें आज के दिन का तो 28 लाख का वॉल्यूम आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेशंस दे रहा है कि स्टॉक के अंदर बाइंग जो है वो अच्छी खासी आज के दिन में, जो कि एवरेज वॉल्यूम 10 लाख 9 लाख के आसपास देखने को मिल रहा था। डिलीवरी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी उसमें भी, और साथ में यहाँ पे स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे कि कम्युनिटी क्या कहती नजर आ रही है तो 54% बाई 38% सेल एंड ओनली 8% होल्ड की तरफ इशारा आपको टाइटन शेयर में देखने को मिल रहा है अहेड ऑफ क्वार्टर वन के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो। हालांकि एक्चुअल नंबर्स कंपनी ने अभी तक पेश नहीं किए हैं। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूँ, और इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं, और साथ में मैं यहाँ पे लाइव मार्केट सपोर्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। आज के दिन में अगर बात हिंदुस्तान जिंक शेयर की करें तो देखिए 1.5% के आसपास का उछाल है। मार्केट में करेक्शन लेकिन स्टॉक में फिर भी पॉजिटिव मोमेंटम है। 340 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां प्रीवियस क्लोजिंग 335 रुपये पे थी। 5 दिन के अंदर आपको 10.5% की शानदार तेजी दिखाई स्टॉक ने। 1 महीने की बात करें तो 11.5%, 6 महीने में कोई खास पॉजिटिव नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है, जबकि 1 साल का जो डाटा है आपको 32% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 5 साल का डाटा 23% और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 270% के रिटर्न्स जो है हिंदुस्तान जिंक ने अपने मैक्सिमम रिटर्न्स में इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए भी हैं। अपडेट की बात करें तो देखिए हिंदुस्तान जिंक ने क्या कर दिया है, यहाँ पे इंट्रीम डिविडेंड जो है अनाउंस कर दिया है, और उसकी वजह से ऑलमोस्ट 7-8% की तेजी आपको बीते 2 से 4 दिनों के अंदर
हिंदुस्तान जिंक में देखने को भी मिल रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम जो है हिंदुस्तान जिंक में अभी रिसेंट के अनाउंसमेंट की वजह से देखने को मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं नहीं कहूँगा कि एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि अभी तक की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में तेज़ी के पूरे पूरे चांसेस जो है हिंदुस्तान जिंक में बने हुए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें आज के दिन में तो 28 लाख का वॉल्यूम है, जो कि कल के दिन में 70 लाख था। डिलीवरी ऑलमोस्ट 32% के आसपास की देखने को मिल रही है। एक वीक का एवरेज 17 लाख और एक मंथ का एवरेज ऑलमोस्ट जो है 10 लाख शेयर्स के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप बाई करना चाहें तो कहीं ना कहीं बाइंग करके होल्डिंग जो है हिंदुस्तान जिंक के अंदर ली भी जा सकती है। कम्युनिटी की बात करें उससे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको 80% जो है बाई की तरफ इशारा देखने को मिल रहा है, और साथ में अगर मोतीलाल ओसवाल के अपडेट्स की बात करें तो 300 रुपये तक के टारगेट्स जो हैं आपको हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है अभी भी आपको 25 रुपये ऊपर आने वाले दिनों में देखने को भी मिल सकता है। बात अगर अपोलो टायर्स की करें तो इसमें भी एक बहुत बड़ा अपडेट है आज के दिन में। TVS मोटर्स के साथ में जो है अपोलो टायर्स का हमें टाइप होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बताऊंगा किसके रिगार्डिंग है, लेकिन आज के दिन में 1% के आसपास की तेजी जरूर देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, और 415 रुपये पे स्टॉक इस टाइम ट्रेड करता नजर आ रहा है। बात अगर एक महीने की करें तो 5.5% की तेजी दिखाई है स्टॉक ने, 6 महीने की बात करें तो 27%, मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 6208% रिटर्न्स जो है हमें अपोलो टायर्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। अपडेट की बात करें तो देखिए TVS मोटर कंपनी एंड अपोलो टायर्स सेट ए न्यू 24-आवर इंडियन नेशनल स्पीड एंड्योरेंस रिकॉर्ड ऑन द TVS अपाचे RR310। तो यहाँ पे TVS मोटर्स ने जो है अपोलो टायर्स के साथ में एक नया जो है 24-आवर इंडियन नेशनल स्पीड एंड्योरेंस रिकॉर्ड बना के दिखा दिया है, क्योंकि अपोलो टायर्स यूज किए गए हैं किसके अंदर, TVS की जो अपाचे है कौन सा मॉडल RR310, उसके अंदर जो है अपोलो टायर्स लगा के ऑलमोस्ट जो है एक नया 24-आवर इंडियन नेशनल स्पीड एंड्योरेंस रिकॉर्ड जो है अपोलो टायर्स को इसका मुनाफा जरूर मिलेगा, और साथ में TVS मोटर के शेयर्स को भी, दोनों ही कंपनियों को यहाँ पे एक बॉन्ड जब होता है तो दोनों का ही उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ जाता है। बात अगर लीडिंग लीजिंग कंपनी की करें तो देखिए स्टॉक का जो रेट है वो है अभी 6.40 रुपये, एक महीने के अंदर 15% की रिटर्न बनाकर दिए, 1 जनवरी से लेकर देखिए तो 36% की गिरावट देखने को मिली। साथ में अगर मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 509% रिटर्न्स जो है लीडिंग लीजिंग कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है, और ऐसे में कंपनी की तरफ से बोनस अनाउंस कर दिया गया है। रेशियो है 1:1 का। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर अगर आपने 50 शेयर्स भी होल्ड किए हैं तो बदले में आपको 50 शेयर्स जो हैं आने वाले दिनों में बोनस के तौर पर मिलते हुए जरूर नजर आ जाएंगे।